बाघ मध्य प्रदेश की जंगलों का राजा, एक शानदार जानवर, शिखर पर विराजमान एक नायक की तरह। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि बाकी सारे जानवरों का महत्व कुछ कम है या उनका किरदार छोटा है। छोटी छोटी सी ये हजारों मधुमक्खियां, पेड़ पर बैठा यह लंगूर, घास चर रहे ये चीतल या आराम से धूप सेक रहा यह मगर, ये सब हमारे लिए और हमारी प्रकृति के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि यह बाघ। चाहे सतपुड़ा की यह छोटी सी उड़ने वाली गिलहरी हो या काना का यह विशाल गौर, आपस में सब के सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब देखिए, जो पशु पक्षी है वो वनस्पति जगत पर निर्भर है और मनुष्य का जीवन इन दोनों पर निर्भर करता है। अब आप अगर नीचे की मंजिल किसी भवन की तोड़ देंगे तो ऊपर की मंजिल अपने आप गिर जाएंगी। तो अगर आप वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो ऊपर की दोनों मंजिलों को अपने आप क्षति पहुंचेगी। हरे भरे पेड़ पौधे, नन्हे नन्हे कीट पतंगे, सुंदर पक्षी, स्तनधारी जानवर, रेंगने वाले जीव, प्रकृति के ये सभी जीवित प्राणी आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर इन प्राणियों और इनके परस्पर जुड़ाव और निर्भरता को बस एक शब्द में बोलना हो तो वो शब्द होगा जैव विविधता। जैव विविधता के होने से ही प्रकृति है और प्रकृति से ही सारी जैव विविधता। मानव भी इसी जैव विविधता का एक हिस्सा है, इसलिए उसका अस्तित्व भी सीधे सीधे प्रकृति और उसके जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि मधुमक्खी नहीं होगी तो परागण नहीं होगा, फल फूल नहीं होंगे और खाद्य उत्पादन में बड़ी गिरावट आ जाएगी। हरियाली और वन नहीं होंगे तो पानी नहीं बरसेगा, फसल नहीं होगी और पीने का पानी नहीं मिलेगा। बाघ नहीं होगा तो वन्य शाकाहारी जीव इतने बढ़ जाएंगे कि हमारे खेत खलियानों का अनाज सुरक्षित नहीं बचेगा। इसलिए भोजन, पानी और स्वास्थ्य तीनों के लिए एक स्वस्थ और संतुलित जैव विविधता बहुत जरूरी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। यहाँ हजारों किस्म की वनस्पति प्रजातियां हैं। सियार, तेंदुए, रीछ, कृष्णमृग जैसे बहुत से स्तनधारी जीव हैं। कछुए और मगरमच्छ जैसे रेंगने वाले जीव हैं। तरह तरह के पक्षी हैं और ढेरों प्रकार की मछलियां हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ प्रदेश भर के लगभग सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है। सैलानियों को बाघ के दर्शन मध्य प्रदेश में इतनी आसानी से हो जाते हैं कि अक्सर प्रदेश को बाघ प्रदेश भी कह दिया जाता है। इसके पीछे मध्य प्रदेश वन विभाग का बेजोड़ प्रबंधन है। प्रदेश के वन विभाग की जैव विविधता शाखा और वन्य प्राणी शाखा ने पिछले 10 सालों में सक्रिय प्रबंधन के कई महत्वपूर्ण कामों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पन्ना में बाघों का पुनर्स्थापन हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर को दोबारा बसाया गया है। सतपुड़ा में बारासिंघा को नया घर दिया गया है। बोमा पद्धति द्वारा चीतल के विस्थापन का काम चल रहा है। प्रायोगिक तौर पर इसी पद्धति से नीलगाय का विस्थापन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। अवैध रेत उत्खनन जैसे जैविक दबाव के बावजूद वन विभाग द्वारा यहाँ की जैव विविधता का सफल संरक्षण किया जा रहा है। मुरैना की देवरी हैचरी में ग्रो रिलीज पद्धति से किए गए सफल प्रजनन कार्यक्रम द्वारा मध्य प्रदेश ने संकटग्रस्त जीव घड़ियाल की संख्या को 1000 के पार पहुंचा दिया है। घड़ियाल क्रोकोडिलिया वर्ग के सबसे लंबे मगरमच्छों में से एक है और इसकी लंबाई 20 फीट से भी अधिक हो सकती है। आज चंबल अभयारण्य में धूप सेकते घड़ियाल के समूह आसानी से देखे जा सकते हैं। घड़ियाल के अलावा गंगा की डॉल्फिन या सूस यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं।
यह डॉल्फिन देख नहीं सकती और एकोलोकेशन तकनीक द्वारा तैरती है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने चंबल क्षेत्र में एक अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि बाटागुर नामक दुर्लभ कछुए की आबादी पूरे भारत में बस चंबल क्षेत्र में ही है। इसके संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। कई अन्य संकटग्रस्त जीव भी चंबल नदी के पारिस्थितिकीय तंत्र या इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। ताजे पानी का मगर, इंडियन स्किमर, रिवर लैपविंग, थिकनी और बहुत से प्रवासी पक्षी भी इनमें शामिल हैं। नदी के इकोसिस्टम की तरह ही जंगल के इकोसिस्टम का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। जंगल का सबसे खास योगदान है पानी। इसलिए जंगल का इकोसिस्टम अगर स्वस्थ है तो समूचा इकोसिस्टम सही काम करेगा। बाघ का होना इसी स्वस्थ इकोसिस्टम की पहचान है और इसका न होना बहुत घातक। इसका सटीक उदाहरण कुछ वर्ष पहले देखने को मिला। पन्ना 550 वर्ग किलोमीटर में फैला बाघों का गढ़, सारे देश और दुनिया में बाघ प्रेमियों का स्वर्ग। सन 2009 पन्ना में एक भी बाघ नहीं बचा। सैलानियों का आना तो कम हो ही गया, पन्ना के इकोसिस्टम पर भी बुरा असर साफ दिखाई देने लगा। राज्य सरकार और वन विभाग ने तुरंत इस ओर ध्यान दिया। 2009 से 2015 के बीच पन्ना में 2 नर बाघ और 5 मादा बाघ छोड़े गए। अगले 6 वर्षों में इन बाघों ने 24 स्थानों पर 60 से अधिक शावक पैदा किए। पूरे बुंदेलखंड और बघेलखंड में पन्ना के बाघ की दहाड़ एक बार फिर सुनाई देने लगी। बाघों का यह पुनर्स्थापन सफल रहा। प्रजनन सफलता 100% रही। पूरी दुनिया में बाघ के पुनर्स्थापन का यह अनूठा और अकेला उदाहरण है। एक कारगर प्रयास से पन्ना में जैव विविधता संतुलन फिर स्थापित हो पाया। जब पन्ना नेशनल पार्क में टाइगर समाप्त हो गए थे तब हम लोगों ने फैसला किया था और एक विशेष टीम बनाई थी मूर्ति जी और उनकी पूरी टीम की कि फिर से टाइगर को यहाँ पुनर्स्थापित करना है। बाघों का जैसा पुनर्स्थापन पन्ना में हुआ उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। शासन और वन विभाग पूरे विश्व में पन्ना आधारित बाघ संरक्षण के लिए आतुर है। दक्षिण पूर्वी देश कंबोडिया में पन्ना मॉडल अपनाने के लिए काम शुरू किया गया है। इसी कड़ी में अगला सफल प्रयास किया गया कान्हा और सतपुड़ा के जंगलों में। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा अभी तक केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलता था। लगभग 500 की आबादी वाले इस हिरण के संरक्षण के साथ साथ इसके लिए एक दूसरा घर ढूंढना जरूरी था। यह काम किसी चुनौती से कम नहीं था। मध्य प्रदेश वन विभाग ने इसके लिए एक ऐसा जंगल चुना जहां ये पहले स्वाभाविक तौर पर पाया जाता था और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया था। इसी रणनीति के तहत बारहसिंघा को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक विस्थापित किया गया। कुछ बारहसिंघा भोपाल के अपने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भी विस्थापित किए गए। इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराहना प्राप्त हुई है। साथ ही इस खूबसूरत हिरण की विलुप्ति का खतरा भी लगभग खत्म हो गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सुनहरे कत्थई रंग की जायंट स्क्विरल या दैत्याकार गिलहरी भी मिलती है। इस गिलहरी का होना सतपुड़ा की स्वस्थ जैव विविधता का परिचायक है। सतपुड़ा का विशिष्ट वन्य जीव होने के कारण इस गिलहरी को राष्ट्रीय उद्यान के लोगों पर स्थान दिया गया है। तरह तरह के सुंदर पक्षी प्रदेश की जैव विविधता में और रंग भर देते हैं। राज्य पक्षी दूधराज के अलावा संकटग्रस्त प्रजातियों के कई पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। सर्दियों में बहुत से प्रवासी पक्षी भी प्रदेश के जंगलों और झीलों में आते हैं। इनमें सारस क्रेन भी शामिल है जो भारत का सबसे ऊंचा पक्षी है। प्रजनन कार्यक्रम द्वारा लगभग खत्म हो चुके सामान्य गिद्ध की संख्या में वृद्धि के प्रयास भी चल रहे हैं।
जंगलों से निकलकर यदि कृषि और उद्यानिकी जैव विविधता की बात की जाए तो यहाँ भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। प्रदेश में लघु धान्यों, गेहूं, तिलहन, दालों एवं औषधीय वनस्पतियों और फलों की ढेरों प्रजातियां हैं। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने धान और लघु धान्यों की किस्मों के संरक्षण के लिए बीज बैंक बनाए हैं और इन किस्मों को पंजीकृत कराया है। होशंगाबाद जिले में औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण किया जा रहा है। प्रदेश की उपयोगी पालतू पशु प्रजातियां देश भर में विख्यात हैं। इनमें भदावरी नस्ल की भैंस, जमुनापारी नस्ल की बकरी के अलावा केन कथा, ग्वालो, मालवी और निमाड़ी नस्लों की गायें प्रमुख हैं। बोर्ड द्वारा स्थानीय गो नस्लों मालवी और निमाड़ी का सर्वेक्षण कर उन्नत पशुओं की पहचान की जा रही है। साथ ही प्रसिद्ध देसी नस्लों गीर और साहिवाल के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के झाबुआ जिले का कड़कनाथ मुर्गा सारे देश में अपने औषधीय गुणकारी मांस के लिए जाना जाता है। अत्यधिक मेलानिन के कारण इस मुर्गे का मांस, हड्डियां, नाखून और यहां तक कि जीभ और भीतरी अंग तक काले रंग के होते हैं। इसके अंडों और मांस का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही कई बीमारियों के उपचार में भी लाभकारी है। बोर्ड द्वारा कड़कनाथ का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। महाशीर मध्य प्रदेश की राज्य मछली है। प्रदेश का महाशीर मछली पालन उद्योग एक बड़ी आबादी के लिए प्रोटीन संपन्न भोजन का स्रोत है। महाशीर मछली सिर्फ प्रदूषण रहित ऑक्सीजन वाले पानी में रहना पसंद करती है, इसलिए किसी नदी में इसका पाया जाना उस नदी की स्वच्छता का मानक है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड महाशीर के संरक्षण के लिए भी क्रियाशील है। हजारों वर्षों से मनुष्य ने अन्य जीवों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। विकास के नाम पर जैव विविधता के संतुलन से निरंतर छेड़छाड़ होती रही है। बढ़ती आबादी, वाहनों की बढ़ती संख्या, प्रदूषण और सिकुड़ते वन जैसे कई कारण हैं जिनकी वजह से जैव विविधता आज संकट में है। हरियाली और वनों का सबसे खास योगदान है पानी। अतः वनों के कम होने का सीधा मतलब है जीवन देने वाले जल को खतरा। हम में से कितने लोग जानते हैं कि मां नर्मदा की 43 सहायक नदियों में से 16 सूख चुकी हैं। जीव जगत की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। स्थिति की गंभीरता को मध्य प्रदेश ने समय रहते समझा है। जैव विविधता नियम बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन सन 2005 में किया गया। बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं। इनके माध्यम से हर जिले में जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय लोगों को जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रेरित करने का काम कर रही हैं। इनमें पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गा पालन, औषधीय वनस्पति उत्पादन जैसे कई काम हैं। प्रदेश भर में जैव विविधता विरासत स्थान बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स चिन्हित करने और इनके उचित प्रबंधन की व्यवस्था का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट और रीवा जिले का क्यूटी फॉल्स इनमें प्रमुख हैं। वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अपने रोचक और उपयोगी प्रकाशनों, ऑडियो विजुअल मीडिया और मोगली बाल उत्सव जैसे कार्यक्रमों द्वारा बोर्ड सामान्य जनमानस में जागरूकता फैला रहा है। युवा वर्ग तक प्रदेश की जैव विविधता की जानकारी और महत्व को संप्रेषित किया जा रहा है। जैव विविधता संपन्न रहे, पर्यावरण हितकारी विकास हो,
जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे और सबको भोजन पानी व स्वस्थ जीवन मिले, यही मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का परम लक्ष्य है।